हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने वाला हूँ वेजिटेबल स्टॉक वाटर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वेजिटेबल स्टॉक वाटर कैसे बनाऊंगा। आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको वेजिटेबल स्टॉक वाटर कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट है इसके लिए। हमारे पास ये बहुत सारी वेजिटेबल हैं। हम वेजिटेबल में डालने वाले हैं ऑनियन, टमाटो, कैरोट, लीक, सेली, बीन्स, मशरूम, गार्लिक, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, जुगनी येलो ग्रीन, थाइम, स्प्रिंग ऑनियन, पार्सले। इतनी सारी चीज़ें हम इसमें डालने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम सारी वेजिटेबल को अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको स्लाइस काटते हैं। फिर हम डालने वाले हैं वाटर में। फिर हम बनाने वाले हैं इस तरह से। तो दोस्तों, इस तरह से मैं वेजिटेबल को अच्छी तरह से वॉश कर लेता हूँ। इस तरह से हम सारी वेजिटेबल को अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं, ताकि इसमें कोई डस्ट ना लगी हो, कोई धूल मिट्टी ना लगी हो। अच्छी तरह से वेजिटेबल वॉश हो जा रही है हमारी। तो दोस्तों, इस तरह से हम सारी सब्जी को काट लेते हैं। इस तरह से हम काट रहे हैं लीक सेली। ये हमने लीक काट दिए है। ये हमारी कट गई है सेली वगैरह। और दोस्तों, ये हम काट रहे हैं टमाटर। और ये हम इसमें काटने वाले हैं कैप्सिकम। और ये काटी हमने इसमें कॉलीफ्लावर। और दोस्तों, ये हम इसमें डालने वाले हैं पोटैटोस। और दोस्तों, हम इसमें जुगनी को इस तरह से डालते हैं। हम इसमें पूरी जुगनी नहीं डालते, हम इसमें से छील के जुगनी डालते हैं इस तरह से। और इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं स्प्रिंग ऑनियन। तो दोस्तों, हम बनाने जा रहे हैं स्टॉक वाटर, एक बहुत अच्छा सा स्टॉक वाटर। तो देखो दोस्तों, हमारी ये बहुत सारी सब्जियां जो हम इसमें डालने वाले हैं स्टॉक वाटर में, ये हमने इसमें डाली है वेजिटेबल्स। और दोस्तों, इसमें हम डालने वाले हैं बी लीव्स। और इसमें डालने वाले हैं हम पार्सले। और डालने वाले हैं हम गार्लिक। और दोस्तों, ये सब्जी हम इसमें बॉयल करते रहेंगे कम से कम एक घंटे तक। ये सब्जी हमारी इसमें पकती रहेगी। और जब तक सब्जी का सारा कलर इसमें नहीं आ जाता, सारा रस इसमें नहीं आ जाता, तब तक हम इसको बॉयल करते रहेंगे। तो सब्जी अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगी, इसका सारा रस इसमें डिप हो जाएगा, तो ये हमारा स्टॉक वाटर बन जाएगा। तो दोस्तों, अब हमारा ये स्टॉक वाटर बन के तैयार हो चुका है। देखो, इसमें हमारा ऐसा कलर आ जाता है स्टॉक वाटर का। तो दोस्तों, हम ये स्टॉक वाटर यूज करते हैं, जैसे हमारा सूप हो गया, वेजिटेबल सब्जी कोई हम बना रहे हैं या कोई भी डिश हम बना रहे हैं, तो पानी की जगह हम स्टॉक वाटर डालते हैं, न कि पानी डालते हैं। तो स्टॉक वाटर डालने से हमारी सब्जी, हमारा सूप और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता, बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए हम स्टॉक वाटर को यूज करते हैं। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट वाटर होता है, जिसमें हमारी बहुत सारी वेजिटेबल्स, हर्ब्स वगैरह डाले होते हैं, जो जिसका एक अमेजिंग फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा
स्टॉक वाटर तैयार, अब हम इसको छानने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा स्टॉक वाटर, हम इस तरह से इसको छन्नी में स्टैंड करने वाले हैं। इस तरह से हमारा ये स्टॉक वाटर बनके तैयार हो चुका है। केवल स्टॉक वाटर। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। आगे के लिए नई नई चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।